नमस्कार आदाब दोस्तों, पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के रिजल्ट घोषित किए जा रहे हैं, जिसमें भवानीपुर, जंगीपुर और शमशेरगंज के अंदर अभी तक कई राउंड्स की काउंटिंग होने के बाद बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। आगे हम आपको बताएंगे कि दरअसल अब जो रुझान सामने आए हैं उसमें कौन सी पार्टी के कैंडिडेट कितनी वोटों से आगे चल रहे हैं, लेकिन ये तो तय है कि ममता बनर्जी भवानीपुर के अंदर लगभग चुनाव जीत चुकी हैं। फिलहाल अभी कई राउंड की जो है काउंटिंग बाकी है, लेकिन बढ़त इतनी हो चुकी है कि बीजेपी को अब कमबैक करना बहुत मुश्किल है। तीनों सीटों के जो रुझान है, जो आंकड़े आ रहे हैं, आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, अगर आपकी भी मांग ऐसी है कि इन तीनों सीटों पर जो काउंटिंग चल रही है वो इसी तरह से निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए, अगर आप इस तरह की डिमांड करते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दीजिए। चलिए बात करते हैं आंकड़ों की। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक सबसे पहले जंगीपुर की बात कर लेते हैं। जंगीपुर के अंदर टीएमसी आगे चल रही है, टीएमसी के कैंडिडेट 18,000 से ज्यादा वोटों से आगे निकल गए हैं बीजेपी से। वहीं शमशेरगंज की अगर बात करें तो शमशेरगंज के अंदर भी टीएमसी कैंडिडेट लगभग 22,000 से ज्यादा वोटों से आगे निकल गए हैं। अब अगर हम बात करें भवानीपुर के अंदर, तो भवानीपुर में ममता बनर्जी ने इतिहास रच दिया है। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी प्रियंका टिबरीवाल से आगे चल रही हैं। लगभग 7 बताया जा रहा है कि 7 राउंड की काउंटिंग के बाद ममता बनर्जी 25,000 से ज्यादा वोटों से अब आगे निकल गई हैं प्रियंका टिबरीवाल से। यानी कि यहां पर जो बीजेपी के नेता ने भविष्यवाणी की थी कि 50,000 से ज्यादा वोटों से ममता बनर्जी चुनाव जीतेंगी, उनकी भविष्यवाणी सही साबित होती हुई नजर आ रही है। अगर हम वोट की बात करें कि किसके खाते में अभी तक कितने वोट गए भवानीपुर के अंदर, तो ममता बनर्जी 32,595 वोट के साथ पहले नंबर पर चल रही है, जबकि बीजेपी का अगर वोट का आंकड़ा आप देखेंगे तो शायद आप भी सोचेंगे इतना आंकड़ा। अभी तक जो आंकड़े मिले उसके मुताबिक 6,286 वोट ही सिर्फ बीजेपी को मिल पाए हैं, जबकि ममता बनर्जी को 32,595। तो कहीं ना कहीं भवानीपुर के अंदर दूर दूर तक बीजेपी और प्रियंका टिबरीवाल ममता बनर्जी को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम ये कॉन्फिडेंट से कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की भवानीपुर सीट समेत तीनों की तीनों सीटें ममता बनर्जी यानी टीएमसी के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर।